यार ये बात बता देनी चाहिए थी इस एपिसोड में। कहानी यहाँ रिवॉल्व होके आ चुकी है, स्टोरी कहीं और जा चुकी है कि फैसल यकीन नहीं करना चाह रहा। आमना सामना हो जाना, मुझे और भी कुछ चाहिए आगे के एपिसोड्स में ना, कुछ और। जाहिर है ये तो हमें पता चल गया है चूंकि सकलैन ने भी खुद बताया था, हमारे पास तो प्रूफ है, हमारे पास प्रूफ है। तो हमें ना पता होता तो शायद मैं ये भी कहता कि एक स्ट्रेटजी भी होती है। कभी कभी आप बाहर के सीरीज देखे ना, वो एक काम क्या करते हैं, वो बहुत सारे इवेंट्स के बाद एक आधा एपिसोड ना इतना स्लो बर्न पे लगा देते हैं दैट वो ब्रिज बनते हैं टुवर्ड्स समथिंग बिग। यू गेट माय पॉइंट? अभी जो फोन मिला है, अब इसका मुझे नहीं पता कि ये डेलिबरेट स्ट्रेच है या ये आपका वो पल्पिटेशन क्रिएट करने के लिए। पूरा वीक पल्पिटेशन रही थी कि भाई ये क्या होगा। यही एंटीसिपेशन है मेरे ख्याल में जिसको हम बेचते हैं। तो ये भी मुमकिन है कि इस एंटीसिपेशन को बेचने के लिए समटाइम्स आप चूल्हे का जो आंच है ना वो कम कर देते हैं कि यार बहुत तेज चल रहा है, हल्का कर दो, पक तो रहा है ना, तो यू विल स्टिल वॉच। खाई ऐसा नहीं होगा कि दो एपिसोड की वजह से स्लो डाउन होने नहीं 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 यू विल स्टिल गो एंड वॉच। वो देखना है वो तो, और फिर हो सकता है क्योंकि एक्सप्लोसिव मोमेंट्स उसके बाद आना शुरू हुए एंड देन यू लाइक हां यार। और ये काबली पुलाव में भी होता था कि आपको याद है कि एकदम इतना कुछ तूफान होता था फिर उसके बाद एकदम दो तीन एपिसोड ऐसे आते थे। हुआ था हां हां बहुत दफा, बट कंपेयर नहीं कर सकते, हम कंपेयर नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते। आई विल जब वो स्क्रिप्ट आएंगे मैं आपको जवाब दूंगी इसका। मीनिंगफुल स्लो, हां मीनिंगफुल स्लो। तो ये बड़ा एक इशू है और जाहिर है इसमें ये डेलिबरेट बात होती है। लाइक इट फ्रॉम डे वन, जब से टीजर आया था मुझे लगता था चेंज ऑफ विजुअल, चेंज ऑफ यू नो पर्सपेक्टिव एक कहीं और जगह से। तो आई थिंक इस पे एक्सप्रेशन देना है मैंने। फॉर मी ओवरऑल इट्स लाइक अ टू थम्स अप। खई जिस बैकड्रॉप में लिखा हुआ है, जिस किस्म की मैंटेलिटी को पोर्ट्रे करना बड़ा ज़रूरी है। शहरी लोग नहीं हैं, जज्बात हैं, और वो जज्बात पहाड़ों के जितने होते हैं, उनके उसूल, उनके रिएक्शंस, उस हिसाब से मैंने जब भी खई को देखा तो मुझे यही लगा कि अच्छा आदमी भी, अगर बादशाह खान भी दिखाए गए तो स्ट्रॉन्ग हेडेड गाय जो कि सिर्फ वीक नहीं है, यानी शहर में होते ना बड़ा वीक अंकल मामू चाचे मिलते हैं आपको कि थोड़े से ना बेचारे ही होते हैं, वो बेचारा नहीं था बादशाह। तो मुझे लगता है जो ओवरऑल एक क्रिएट किया गया है द एनवायरनमेंट थ्रू द स्क्रिप्ट, अगेन इन रिगार्डलेस ऑफ दीज मैटर्स जो अभी मरीना जी ने डिस्कस किया। देखें ऑडियंस को, जैसे मरीना जी ने कहा, अगर कोई चीज़ अब बुरी लगना शुरू हो गई है तो वो एक्सपेक्टेशंस थी असल में जो आपकी एक खास चली आ रही होती हैं, और एक पॉइंट पे आकर आप कहते हो यार ये नहीं करना। हाँ एक होता है एंटिसिपेशन कि यार ये बात बता देनी चाहिए थी इस एपिसोड में, क्यों नहीं बताई, अच्छा चलो। बट एक आपको फील होने लगता है कि यार ये मोमेंट्स मिस करके बहुत लंबा एक मोंटाज लगा दिया गया, बादल का सफरनामा। हाँ वो चीज शायद इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी जितनी इन मोमेंट्स को डिस्क्राइब करना, जो हम मिस कर रहे थे कि वो मोमेंट्स। तो ओवरऑल मैं 7 दूंगा। 7, वेरी गुड जॉब। डायरेक्शन तो मुझे ओवरऑल बहुत पसंद है वजाहत की, और मुझे लगता है बहुत सेंसिटिवली की है। अगेन मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूँ पूरे सीरियल की। मेरे हिसाब से चूंकि मुझे आउटडोर्स बहुत पसंद है, मुझे घरेलू जो स्टोरीज होती हैं ज़रा क्लोस्ट्रोफोबिक सी लगती हैं, मुझे बहुत पसंद है पहाड़ और ये सब चीज़ें। तो जो कुछ चल रहा है बस ये छोटी मोटी कन्फ्यूजन है, और अगेन वो मजबूरी सकलैन ने हमें बता दी थी कि हमें इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करना पड़ेगा। तो आई थिंक इट्स ए 6.5 बल्कि 6.5, गुड जॉब। आई एग्री विद डैट क्योंकि अब स्टोरी कहीं और जा चुकी है। इमोशनल जो ग्राफ है वो अब खवातीन के पास इस दफा था ही कुछ नहीं, इस दफा नहीं था। लैला वास्ती का एक भी सीन नहीं था। ये मुझे लगता है कि कहीं ओवर एंड ओवर जाके डायरेक्टर पर भी इसकी रिस्पांसिबिलिटी आती है कि जब आप देखते हो कि यार इस वाले एपिसोड पे मैं पहुंच चुका हूं तो अब मैं वो बल्क सीन्स ना शूट करूं ना कि यार एक ही लोकेशन है 8 सीन करने हैं बॉस, ये वाला भी कर दें वाला भी कर दें, वहां फिर आपको एक्टर के अंदर इंजेक्ट करना पड़ेगा ग्राफ, दिस इज द फलानी एपिसोड, कहानी यहां रिवॉल्व होके आ चुकी है, लेट्स कम अप विद समथिंग डिफरेंट, तो एक्टर कर देगा। बट अगर आप उसको ये कहेंगे यार ये कमरा है और इसमें 8 सीन्स आपके हैं सारे, कपड़े चेंज करने, बताया बस ये काले वाले कपड़े पहन लो, वो पहले तो क्या होता है एक्टर भी फिर उसी तरह के बल बल करके चला जाता है, और जब उसको स्पेसिफिकली कुछ मिल ही नहीं रहा तो वो क्या करेगा, वो रिपीट पे जाएगा। तो ये डायरेक्शन का फ्लॉ है, वरना दुर्रेफिशा बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, मैं उसका काम देखता हूँ और मुझे लगता है कि अदरवाइज शी इज अ फाइन एक्ट्रेस, लेकिन चूंकि इस वक्त कुछ है नहीं करने को तो लेट्स गिव हर अ 6। Yes. Faisal has this layered character in this. मुझे अच्छी लगी दो तीन चीज़ें।
स्पेशली जो प्यार वो उससे करता है जमदा से, और वो यकीन नहीं करना चाह रहा इस बात पे, यकीन वो ही स्टक इन द प्रोसेस ऑफ हिज कल्चर प्रॉबली, ट्रेडिशनल बाउंड्रीज हैं उसके दिमाग में, और वो जो अदरवाइज वो जो एक सीन बड़ा खूबसूरत हुआ था, मैं थोड़ा पहले का बता रहा हूँ, जिसमें वो कन्फ्रंटेशन होती है इन दोनों की, आई वॉज एक्चुअली वेटिंग फॉर दैट सीन कि यार ये बहुत बड़ा सीन है मेरे हिसाब से, पूरे खई की फाउंडेशन है कि आमना सामना हो जाना, और उसका शक जो है अब वो अच्छा, अब वो बड़ा टिपिकली कर सकता था फैसल, थोड़ा धमकी आना रखता, उसने ना बड़ी लेयर्स रखी, सॉफ्ट हुआ, गुस्सा आता था, ड्रंक भी है थोड़ा सा, थोड़ा सा यकीन भी करना चाहता है, थोड़ा सा उसको मार्जिन भी दे रहा है। तो आई थिंक फैसल ऑलरेडी बहुत एक अच्छा एक्टर है। मरीना जी ने बहुत अच्छी बात की कि अब चूंकि एक्सप्रेशन रिपीट पे हैं, क्योंकि सिचुएशन रिपीट पे है, तो कहीं ना कहीं आप ये चाहते ज़रूर हैं, मैं शायद एक्टर हूँ शायद, मैं अब मैं ना ग्राफ बढ़ता देखना चाहता हूँ टेंशन का आँखों में, सिर्फ आँखें बहुत ज़्यादा खोलने से हम टेंशन को डिस्क्राइब नहीं कर पाते। मुझे लगता है कि अब ना वो टाइम आ गया है जहाँ फैसल ने पागलपन होना चाहिए था। हाँ, अब फैसल ने जो पूरी जिंदगी सीखा है ना, अब उसमें से लेयर्स निकालनी है, ऊपर वाली लेयर पे एक्टिंग नहीं करनी, अब नीचे जाना है, अंदर खोद के ना कुछ नया लेकर आना था। आई एम नॉट, मैं बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक्सपेक्टेशन है मेरी कि जब मैं उस ग्राफ पे पहुंचूं तो मैं देखना चाहता हूं कि अब ना सिर्फ आंखें खुल के हैरान होने से ज्यादा मुझे और भी कुछ चाहिए एक एक्टर में से, हैजान, यू नो, डिस्टर्बेंस, मेंटल डिस्टर्बेंस कहां कैसे दिखा सकते हैं, क्योंकि वैसे तो अदरवाइज आप हर चीज रिपीट ही कर रहे हैं, हर दफा आप टेंस हैं, हर दफा आप चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और आप खड़े हो जाते हैं, आप परेशान होते हैं, जो कि फैसल ने मुझे लगता है कहीं भी ऐसा कुछ फ्लॉलेस किया उसने हर जगह। बट मुझसे पूछें, मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि अब जाहिर रिकॉर्डिंग हो चुकी है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ फैसल जैसे एक्टर से कि आगे के एपिसोड्स में ना मुझे कुछ और अंदर से, यू नो, क्रिप्टोनाइट टाइप कोई चीज़ निकल के एक्टिंग में आएगी। सो यस, नंबर फैसल एट, फैसल कुरैशी। विना जी, ये एपिसोड्स दो मेरे हिसाब से फैसल के एपिसोड थे, क्योंकि जगह थी और नई जगह थी, वो जगह जहाँ ये भाई को भाई का हाथ कटा हुआ देखते हैं, फिर वो जगह एक जहाँ पे वो बाप को गिरा है बाप तदफीन के बाद, और ये लोग लेके उसको जा रहे हैं और गाड़ी में हैं, और बेटा पीछे बाप के साथ है, और वो कह रहा है तेज चलाएं गाड़ी बाबा कुछ हो जाएगा, वहाँ फैसल ने बहुत प्यारी एक्सप्रेशन दी, बहुत स्पॉट ऑन, वो घबराहट, वो अर्जेंसी, हाँ 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 मैं कर रहा हूँ, मैं चला रहा हूँ, बाबा को कुछ नहीं होगा, बाबा को कुछ, वो बहुत अच्छा सीन था फैसल का। फिर ऐसा ही एक और सीन था जब जब वो गिरता है, गाड़ी में से निकाल रहे हैं, वो स्ट्रेच भी हुआ, मैं एंड आई वाज थिंकिंग कि अब ये ना हो कि ये अंदर दिखा दें उसको, बिकॉज ये टेंशन मोमेंट है, इसको इस्तेमाल करने की जरूरत है। फैसल ने उठाया बाप को, और उठाया और दूसरे ने आके हाथ लगाया, उन दोनों ने, से हम डंडा डोली कहते हैं ना, बाप को दोनों, एक वो जो एक बड़ा अच्छा है जो एक गार्ड है ना जो मेन, दोनों ने उठाया, एंड देन केम द, तो वो डायरेक्टर ने भी वो सीन बहुत अच्छा किया, सिर्फ फैसल ने भी बहुत अच्छा किया, बिकॉज वो मूवमेंट तो फैसल को ही बनानी थी। सो जो बस सिर्फ एक जगह जो गलत हुई फैसल से, वो जहाँ बाचा खान को देखा है उसने, और वो चीख जो हम सबको लगा है कि वहाँ कुछ था, वो वहाँ स्ट्रेच था जो डायरेक्टर से भी मिस हुआ, फैसल से भी मिस हुआ, वरना इस दफ़ा मेरे पास अगर वो भी जगह सही हो जाती तो फैसल के लिए नौ थे।